नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूँ हमारी इस लाइव क्लासेस में। जी हाँ, ये बिल्कुल लाइव क्लासेस है और हमारे साथ नित्यानंद जी जुड़े हुए हैं जूम पे और हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग। और हम लोग ऑनलाइन लाइव क्लासेस देते हैं और लाइव क्लासेस में हमारी दो तरह की क्लासेस होती है, वन टू वन क्लास एंड ग्रुप क्लास। और हमारी नई ग्रुप क्लास फर्स्ट को ओपन हो रही है वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग मॉर्निंग 6 बजे, वो भी 80% डिस्काउंट के साथ। जी हाँ, अगर आपको हमारी बैचेस ज्वाइन करनी है तो फटाफट नंबर है, मुझे कॉल कीजिए, हम आपको बताएंगे कि प्रोसीजर क्या है और देखिए किस तरह से हम ऑनलाइन लाइव क्लासेस देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन विथ वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। हमने लास्ट क्लासेस में बात की थी डेटा टाइप्स के बारे में। हम बात करेंगे उस डेटा टाइप्स का इस्तेमाल हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कैसे करें। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने सब्जेक्ट और यहाँ पे M_1 नाम का मैंने माइक्रो बनाया और मुझे क्या करना है कि मुझे ग्रोथ निकालनी है। तो यहाँ पे लिखता हूँ डिम क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 एज ए लॉग। और यहाँ अभी एक बार समझा देते हैं कि एक्सेल पे कैसे निकालूंगा इसको, क्योंकि तो एक्सेल पे समझाऊंगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो डबल स्क्रीन कर लेता हूं मैं। जैसे मान लीजिए कि क्वार्टर 1 है और क्वार्टर 2 है हमारे पास। क्वार्टर 1 की सेल 50 है, क्वार्टर 2 की 60 है और मुझे इसका ग्रोथ निकालना है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाई ओल्डेस्ट और एंटर प्रेस करते हैं और इसके ऊपर हम परसेंटेज का फॉर्मेट अप्लाई कर देते हैं। लेकिन सेम काम हम एक्सेल से कैसे करें, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे Q1 इक्वल टू हम लेते हैं रेंज B3, रेंज B3 डॉट वैल्यू। और ऐसे Q2 इक्वल टू रेंज C3, V3 हो गया, C3 डॉट वैल्यू। एंड हम यहाँ पे एक और हमें चाहिए तो हम यहाँ पे लिखता है डिम आर एज ए डबल, क्योंकि डेसिमल में होता है, परसेंटेज हमेशा डेसिमल में होता है, इसलिए तो आर वो क्यू इक्वल टू टू करना पड़ेगा क्या, हाँ यहाँ पे क्यू टू होना चाहिए, माफी चाहूंगा, आर इक्वल टू लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट, मतलब कि Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q1। ठीक है, अब इसको हम राइट क्लिक करके रेंज D3 डॉट वैल्यू करेंगे। अब इसको एक बार रन करते देख लीजिए क्या हो, सर। सॉरी यहाँ पे इक्वल टू आर देना भूल गया मैं, इक्वल टू आर। अब इसको रन करके देखिए, रन करने पे रिजल्ट आया 0। क्या रिजल्ट आया, 0। तो B3 एंड C3, अब 0 आया। एक बार कर्सर रखता हूं मैं यहाँ पे, हाँ सच में 0 आया। वो Q2 इक्वल टू Q1 दिया है सर आपने फॉर्मूला में। हाँ कीबोर्ड में से प्रॉब्लम हो गई है सर, अब आया, बट डेसिमल नहीं है, मतलब डेसिमल परसेंटेज में, डेसिमल में आना चाहिए, आ गया है, परसेंटेज में आना चाहिए। तो मेरे पास दो तरीके हैं। पहला कि मैं रेंज यहीं पे लगाऊं B3 डॉट नंबर फॉर्मेट इक्वल टू 0.0 एंड परसेंटेज। तो अब क्या होगा, अब ये आपका परसेंटेज में आ जाएगा, ये इसका फॉर्मेट परसेंटेज में चेंज, क्या चेंज हो गया, इसका फॉर्मेट परसेंटेज चेंज हो गया। और दूसरा तरीका है कि जो रिजल्ट है हमारा, उस रिजल्ट को हम यहीं पे कन्वर्ट करते फॉर्मेट, और जैसे टेक्स्ट फॉर्मूला एक्सेल में करता है उस तरह से 0.0%। तो इससे क्या होगा, इससे ही होगा आपका कि यहाँ परसेंट में, लेकिन अब क्या हो गया, टेक्स्ट हो गया, क्या हो गया, टेक्स्ट हो गया। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिए। तो एग्जाम्पल समझ में आया, यस सर। कोई डाउट इसमें नहीं नहीं सर। होनी चाहिए। अब दूसरा हम क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे,
क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करता हूं। सर एक मिनट जल्दी से। तो यहां पे हम दूसरा यहां पे सवाल कर रहे हैं कि मेरे पास प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मान लीजिए 50,000 है, देन मेरे पास रेट 5% हमारा रेट है। ठीक है 5% और मेरे पास टाइम, जो टाइम है वो मेरा मान लीजिए 5 साल का है, 6 साल मान। अब मुझे इसका अमाउंट कैलकुलेट कर, अब मैथमेटिक्स की बात करें तो अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अमाउंट ए इक्वल टू पी प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर डिवाइड बाय एन, आर डिवाइड बाय एन। और ये थोड़ा सा ड्रॉइंग है, थोड़ा सा माउस पैड में प्रॉब्लम है, देख लीजिए, समझ लीजिए, भावनाओं को दीजिएगा, ठीक है, लिखावट में मत जाइए। कंपाउंड इंटरेस्ट का सब इंटरेस्ट निकाले, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल लग रहा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, पूरा इंटरेस्ट नहीं अमाउंट ही गलत है कि p मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस r डिवाइड बाय n पावर ऑफ t मल्टीप्लाई बाय n। अब यहां पे n क्या है, तो n इक्वल टू 12, n क्या है, n इक्वल टू 12 मंथली, इसलिए 12। अब इसको कैसे करें हम, तो इसके लिए हम यहां पे हम लिखेंगे सबसे पहले dim p एज ए लॉन्ग कुछ प्रिंसिपल है, फिर dim r क्या होगा, क्या होगा सर, डबल होगा, क्यों, क्योंकि परसेंटेज और परसेंटेज डेसिमल में होता है, और डिम टी एज ए हम बाइट करते हैं, क्यों, क्योंकि टाइम तो 255 महीने से ज्यादा थोड़ी होगा। ठीक है, अब जो रिजल्ट आएगा वो अमाउंट आएगा, और अमाउंट जो है डेसिमल होगा, तो डिम ए इक्वल टू हमने यहां पे कर दिया डबल। ओके, तो हमने वेरिएबल डिफाइन कर लिए, अब वेरिएबल डिफाइन करने के बाद अब इसको लोड करते हैं कि p इक्वल टू हमने यहाँ पे दिया रेंज, रेंज में हमने दिया v1। अब देखिए डायरेक्ट भी हम दे सकते हैं, आप कुछ लोग इस वीडियो को यूट्यूब पे देखेंगे तो कहेंगे कि आप ये डिफाइन क्यों कर रहे हो, डायरेक्ट डाल दीजिए, बात सही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे समझाना है आपको वेरिएबल्स का यूज, इसलिए यहां मैं डिफाइन करके लोड कर रहा हूं, क्योंकि तो हर जगह डायरेक्ट नहीं ले सकते, हमें वेरिएबल तो चाहिए ही चाहिए। डिम डिम नहीं सॉरी रेंज वाला, हाँ रेंज, तेरी बात करते करते दिमाग कहां से लाए, बी थ्री बी थ्री डॉट। अब यहां पे एक वेरिएबल छूट गया एन, ओके तो एन भी हमारा बाइट ही होगा, तो टी कॉमा एन कर देते हैं कि हम बाइट करेंगे, और एन इक्वल टू हमने 12 कर। अब यहां पे हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे अमाउंट कैलकुलेट, तो यहां पे लिखते हैं ए इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय इन द ब्रैकेट 1 प्लस अगेन इन द ब्रैकेट आर डिवाइड बाय एन ब्रैकेट क्लोज अगेन ब्रैकेट क्लोज देन पावर पावर अगेन ब्रैकेट टी मल्टीप्लाई बाय एन। तो यहां देखिएगा ब्रैकेट से सेपरेट करना, पूरा कैलकुलेशन एक और ब्रैकेट में होगा, जबकि फाइनल रिजल्ट आने में वो पी से मल्टीप्लाई। ठीक है, समझे कि नहीं सर, समझे सर। अब यहां हम देते हैं रेंज, रेंज में हम देते हैं v5 डॉट वैल्यू इक्वल टू, अब इसमें क्या होगा, अब इसको रन करते हैं, इसमें रिजल्ट आया, अब मुझे रिजल्ट को राउंड करना है, तो दो तरीके हैं, या तो हम यहाँ पे रिजल्ट डालते समय राउंड का फॉर्मूला लगा दें और इसमें कर दे कॉमा जीरो,
तो क्या होगा, ये आपका राउंड होगा, या फिर हम राउंड का फॉर्मूला ना देके जो ए डिफाइन किया जिसमें मैं डबल लिया है ए को, इसको डबल की जगह क्या कर देंगे, हम कर देंगे लॉग। ठीक है, तो फिर हमें राउंड फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल समझ में आ गया आप लोगों को, किसी को डाउट? आज आपने फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करने सिखाया जी। मैथमेटिकल कैलकुलेशन वीवीए के थ्रू कैसे करेंगे, क्योंकि एक्सेल में आपके हिसाब से सारे फॉर्मूले नहीं होंगे, तो आपको अपने लिए फॉर्मूला बनाना हो, और जो मैथ की फॉर्मूला है उसको कैसे डालेंगे ये जानना जरूरी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है तीसरा क्वेश्चन, हम यहाँ पे डालते हैं एमआरपी। मुझे एमआरपी निकालना है अब किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट एरर, कॉस्ट क्या है 50 रुपीज है, तो कैसे निकलेगा? तो मैन्युफैक्चरर क्या करता है, अपने खरीद का 5% निकालता है और अपने कॉस्ट पे, अपने जो कॉस्ट लगा है उस कॉस्ट पे ऐड करके डिस्ट्रीब्यूटर को बेच देता है। डिस्ट्रीब्यूटर अपने खरीद जो भी उसका कॉस्ट है उस पे 12% का 10% कर लेता है, 10% का मार्जिन रखता है और अपने कॉस्ट में ऐड करता है और होलसेलर को बेच देता है। होलसेलर अपने खरीद का 15% निकालता है, अपने खरीद में यहाँ ऐड करता है और किसको बेच देता है, रिटेलर को। देन रिटेलर क्या करते हैं, 20% निकालता है और अपने खरीद में उसको ऐड करके किसे भी देता है, कंज्यूमर को। तो फाइनल प्राइस कंज्यूमर का। अब यही कैलकुलेशन एक्सेल में देखिए कितना लेंदी हुआ। अब मुझे यहाँ वीवीए के थ्रू बनाना है और इस बार मैं फंक्शन बनाना चाहता हूँ, क्या बनाना चाहता हूँ, फॉर्मूले, क्योंकि अभी भी मैंने फॉर्मूले का जिक्र किया तो आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी होगी कि सर अपना खुद का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। तो चलिए अब खुद का फॉर्मूला बनाना सीखिए। खुद के फॉर्मूले बनाने का 3 स्टेज होते हैं, पहला डिक्लेरेशन, दूसरा कैलकुलेशन और तीसरा रिजल्ट असाइनमेंट। तो डिक्लेरेशन मतलब कि फॉर्मूला को डिक्लेयर कर, तो फंक्शंस हमने यहाँ पे लिख दिया एमआरपी नाम का फॉर्मूला और इसके अंदर लिख कर दिया कि कॉस्ट एज ए लॉ। अब यहां हमने क्या किया, एक स्टेज पूरा कर लिया, क्या है डिक्लेरेशन, हमने एक स्टेज पूरा किया डिक्लेरेशन, हमने फॉर्मूला डिक्लेयर करना सीख लिया। अब डिक्लेरेशन के बाद अगला जो टॉपिक आता है वो आता है कैलकुलेशन। तो मैंने यहाँ पे डिम आर एज ए डबल लिया, क्योंकि परसेंटेज निकलेगा तो मैं डेसिमल में आएगा, इसे डबल जोड़ी। अब आर इक्वल टू मैंने कॉस्ट कर लिया, कॉस्ट क्या हुआ, देखिए फॉर्मूला बन गया तो आप डायरेक्ट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं एमआरपी करके, देखिए अप्लाई कर दीजिएगा और जो कॉस्ट हमने बी टू की वैल्यू डाला, बी टू की वैल्यू जो 50 है वो कॉस्ट पे आ गया, क्या यहाँ पे आ गया, कॉस्ट पे आ गया। आपको रेंज वगैरह देने की जरूरत नहीं, जो फॉर्मूला में जो सिलेक्ट कीजिएगा वो ऑटोमेटिकली पिक कर ले। ठीक है, तो हमने आर इक्वल टू कॉस्ट कर दिया और यहाँ पे लिखते हैं आर, पहला क्या है हमारा, पहला है कि मुझे 5% निकालना है, तो R इक्वल टू R का 5%, 5% ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसमें आपको करना पड़ेगा 0.05, कि पहले 5% निकालेंगे और उसके कॉस्ट में ऐड कर देंगे तो प्लस आप, बस सिंपल यही है। अब इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पेस्ट 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 पेस्ट, नहीं चार बार पेस्ट कर दिया, हाँ तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 10%, यहाँ हो जाएगा आपका 15%, यहाँ हो जाएगा आपका 20%, ये फालतू आ गया और फाइनल पे हो जाएगा एमआरपी। तो हमने दो फेज कर लिया, हमने दो फेज क्या किया, हमने कैलकुलेशन कर लिया और फाइनल रिजल्ट हमारा आर पे स्टोर है, फाइनल रिजल्ट कहाँ स्टोर है, आर पे स्टोर। फिर लिखता हूँ एमआरपी इक्वल टू आर, ये तीसरा फेज हुआ रिजल्ट असाइनमेंट, क्योंकि रिजल्ट आर पे स्टोर है ना, फॉर्मूले को देना पड़ेगा ताकि वो बाहर प्रिंट कर सके। तो ये देखिए बाहर आपका 79.69% है, और यहाँ पे आपने अपना खुद का फॉर्मूला बना दिया। सुजीत जी बोलिए, मैं तो चाह रहा हूँ इस फंक्शन में एक आर्गुमेंट ना रहे,
मैं चाह रहा हूँ परसेंटेज भी इसमें ऐड हो जाए, एक कस्टमाइज्ड फंक्शन बन जाए, तो उसमें हम इसमें फॉर्मेट यूज कर सकते हैं आर्गुमेंट। नहीं क्या समझा मैं, ये आप चाहते हैं कि जो ये फिक्स कैलकुलेशन है ये आप यहीं पे ऐड करना चाहते हैं, यूजर अपने हिसाब से डालें। मैं चाहता हूँ इस एमआरपी फंक्शन में फंक्शन ये वेरिएबल जो आर यूज कर रहे हैं आपका जो कैलकुलेट होके आ रहा है परसेंटेज में, एक परसेंटेज का आर्गुमेंट ही लग जाए इसमें तो और डिफरेंट फंक्शन बन जाएगा। इज दैट पॉसिबल इन वीबीए? हाँ पॉसिबल है। तो फॉर्मेट यूज कर सकते हो तो नंबर फॉर्मेट? नहीं 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 आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपको डेसिमल में डालना पड़ेगा। जैसे आप फॉर्मेट यूज करोगे ना वो क्या हो जाएगा, वो टेक्स्ट हो जाएगा। एक्सेल में जो टेक्स्ट का फॉर्मूला यूज होता है ना वही वीबीए में फॉर्मेट होता है, और टेक्स्ट का फॉर्मूला हमेशा टेक्स्ट रिटर्न करता है, फॉर्मेट भी हमेशा टेक्स्ट रिटर्न करेगा, फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी ना। सही बात है। मैं तो चाहूंगा कि एमआरपी में सिर्फ एक ही वेरिएबल ना रहे, एक फंक्शन का भी वेरिएबल आ जाए, मतलब ये परसेंटेज का वेरिएबल। ये इसकी बात कर रहे हैं, एमआरपी आ जाए डायरेक्ट आपनी समझ, ये कांस्टेंट एज लॉन्ग और डबल एज एनी अदर वेरिएबल, परसेंटेज एज डबल, तो हमको ये बार बार हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यूजर को पता है कि भैया इसमें दो चीजें हैं एज एन आर्ग्यूमेंट, तो अपने आप ही वो टाइप कर देगा, काम हो जाएगा। हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं भाई। ठीक है देखिए सिंपल से बात समझिए, फंक्शन का सिंपल से बात समझिए। पहला कि आपको इनपुट क्या क्या चाहिए, यूजर से कोई कोई फॉर्मूला लगाएंगे तो कुछ ना कुछ इनपुट चाहिए क्या, और बगैर इनपुट इनपुट के फॉर्मूले बनते हैं तो फिक्स इनपुट और फिक्स आउटपुट होते हैं वहां पर, जैसे कि टाइम डेट जैसे फॉर्मूले। लेकिन बाकी कैलकुलेशन में तो हमें फॉर्मूले का इनपुट देना पड़ेगा कि यूजर फॉर्मूला लगाते समय जो वैल्यू डालेगा कैलकुलेट होके बाहर रिजल्ट आए, तो वो आपको यहाँ डिसाइड करना है। कॉस्ट ऊपर दिख रहा है यहाँ पे, कॉस्ट एज ए लॉन्ग दिख रहा है ना, ये इनपुट डिसाइड है कि यूजर जो वैल्यू इनपुट करेगा कॉस्ट उसको ले ले, और फिर इसके नीचे कैलकुलेशन आती है। अब ये कैलकुलेशन बिल्कुल आपके माइक्रो की तरह कैलकुलेशन होती है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बस यही फर्क है, जैसे यहाँ पे रेंज B1 B2 B3 इस तरह से ले रहे हैं, फंक्शन में वैसा नहीं ले सकते हैं। फंक्शन में जो भी लेंगे हम यहाँ अपने इनपुट से लेंगे, जो भी इनपुट हमने डिसाइड किया हुआ है डिफाइन किया हुआ, ठीक है। फिर कैलकुलेशन होने के बाद जो रिजल्ट है एक मेन वेरिएबल पे स्टोर रहेगा, और फिर उस वेरिएबल से मुझे एमआरपी को पास करना, सिंपल से इसका बे, ठीक है। क्योंकि बाहर रिजल्ट एमआरपी ही शो करेगा, इसलिए रिजल्ट को एमआरपी पे स्टोर करना जरूरी है। दूसरा इनपुट जो है वो ये एमआरपी के अंदर जो होंगे वेरिएबल उसी पे स्टोर होगा, ठीक है। जैसे आप कोई फॉर्मूला लगाओगे तो वहां दिखेगा भी आपको कि भाई क्या है, देखिए यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे कॉस्ट दिख रहा है, हमें कॉस्ट इनपुट करना है। अब इस फंक्शन को आप प्रोसीजर में कैसे यूज करेंगे, सब प्रोसीजर में? अगर इस फंक्शन को आप प्रोसीजर में यूज करना, मतलब कि आपको मैक्रो बनाना है, तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं सब और m अंडरस्कोर हम 3 करके ब्रैकेट ओपन क्लोज, सब हो गया माफ कीजिएगा सब, इसमें सबको सेम रहे, क्या रहेगा सबको सेम रहे यहाँ पे, बस इनपुट आउटपुट चेंज हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे हमें लेना होगा कॉस्ट, ठीक है, तो यहां देंगे डिम कॉस्ट एज ए लॉन्ग या डबल जो भी करना है, और फिर यहां हम करेंगे कॉस्ट इनपुट, कॉस्ट इक्वल टू रेंज, रेंज में कौन सा हो गया बी टू, बी टू डॉट वैल्यू, तो इनपुट डिफाइन हो गया, कैलकुलेशन हुआ, अब आता है आउटपुट, जहां एमआरपी है उसके जगह पे कहां पे जहां पे रिजल्ट को शो करना है उसका रेंज क्या है, रेंज बी थ्री डॉट वैल, ठीक है, बस यही अंतर, बाकी कैलकुलेशन में कोई अंतर नहीं हो, कैलकुलेशन बिल्कुल सेम। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, अब मान लीजिए कलेक्टर डेट में यहाँ पे वैल्यू चेंज किया 60 करके एंटर मारेंगे तो फंक्शन अपने आप चेंज कर देगा, लेकिन इस फॉर्मूले को मुझे यहां से रन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा रन करना,
अगर मैंने यहाँ पे 70 किया तो 70 यहाँ पे 70 जब किया एंटर प्रेस किया तो देखिए रिजल्ट नहीं चेंज हुआ। जब मैं इसको रन करूंगा तब जाके रिजल्ट चेंज, लेकिन फंक्शन में क्या होगा, रियल टाइम कैलकुलेशन होगी। इसलिए हम फंक्शन का यूज करते हैं कि रियल टाइम रिजल्ट इनपुट होगा रियल टाइम। ठीक है, अब मैं आपको कुछ कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन के कुछ इमेजेस व्हाट्सएप कर रहा हूं, उसमें कुछ फॉर्मूले डले हैं, उस फॉर्मूले पे आप वीवीए की मैट्रिक्स बना के हमें भेजें। तो देखा आपने किस तरह से हमने अभी क्लासेस प्रोवाइड की, आप भी हमारे साथ इसी तरह के ऑनलाइन क्लास वन टू वन आप ज्वाइन कर सकते हैं या ग्रुप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप क्लास में आपको 80% का डिस्काउंट मिलता है, लेकिन वो महीने में एक बार ही शुरू होता है, तो आप जो है मुझे उसका पहले से बुकिंग करना पड़ेगा। दूसरा, आप रिकॉर्डेड कोर्स लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरा ऐप का लिंक मिलेगा, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए और आप उसमें सारे रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू, और हाँ चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।